बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आप हंसते मुस्कुराते रहें, आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए एक ओल्ड मॉडल होंडा सिविक 1996 का मॉडल है और ये गाड़ी फॉर सेल है। अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको मुकम्मल डिटेल इस गाड़ी की प्रोवाइड करूंगा, इसके ओनर से रابطہ करने का तरीका, उसके अलावा इसकी जितनी भी स्पेसिफिकेशन वगैरह, इसकी कंडीशन कैसी है और कितने तक आपको ये मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाजमी से वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन डेली बेस पर मिलते रहें। और चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है, तो सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको इस तरह की जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन डेली बेस पे मिलते रहें। नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा इसी वीडियो के नीचे, उस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास बेल आइकन आएगा, उस पर भी आपने क्लिक कर लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों, यह होंडा सिविक और 1996 का मॉडल है और गाड़ी की जो आउटर साइड है वो फुली शोवर है। ओनर ने मेंशन किया है कि जो आउटर साइड है वो फुली शोवर है और जो इंटीरियर साइड है वो काफ़ी हद तक जेन्युइन है। फ्यूल कंजप्शन गाड़ी की पेट्रोल है। होंडा सिविक फॉर सेल, नीट एंड क्लीन कार है। आउटर साइड जो है ना वो ओनर ने इसकी खुद ही शोवर करवाई है गाड़ी को फ्रेश लुक देने के लिए। जो डैशबोर्ड वगैरह है वो जेन्युइन कंडीशन, यहाँ पर आप इसका डैशबोर्ड वगैरह की कंडीशन देख सकते हैं जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। और इनर जो है ना वो सारी जानवर, पावर स्टेयरिंग आपको मिल जाता है गाड़ी के अंदर, पावर विंडोज़ और बैक कैमरा व्यू का भी जो सिस्टम है वो गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर गाड़ी के इंजन कंडीशन को देखा जाए तो गाड़ी के जो इंजन रूम है वो नीट एंड क्लीन कंडीशन में है और इंजन जो है ना वो सील टू सील जेन्युइन है। इंजन में आपको किसी किस्म की सील्स की लीकेज का इशू देखने को नहीं मिलेगा। आपको पता है ओल्ड मॉडल में आपको मोस्टली जो सबसे ज़्यादा इशू मिलता है उसकी इंजन की सीलें लीक होती हैं, लेकिन ओनर ने मेंशन किया कि इस तरह कोई भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। और उसके अलावा जो इसके अंदर आपको साउंड सिस्टम वगैरह देखने को मिल जाएगा जो है ना वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप म्यूज़िक वगैरह इसके अंदर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी फ्रंट लुक देख सकते हैं, हेडलाइट्स वगैरह इंडिकेटर के साथ आपको मिल जाती हैं। और उसके अलावा यहाँ से आप इसकी बैक लुक वगैरह भी देख सकते हैं। जो शोवर होने की वजह से गाड़ी नीट एंड क्लीन कंडीशन में आपको किसी किस्म के इस पर टचअप्स वगैरह देखने को नहीं मिलते और ना कोई स्क्रैचेज़ वगैरह हैं। तो गाड़ी का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी सारे के सारे क्लियर हैं। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जो है ना वो CPLC गाड़ी का सारा क्लियर है। टैक्स वगैरह जो है ना वो अप टू डेट है और डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे अवेलेबल हैं, रिटर्न फाइल वगैरह, तो उस हिसाब से भी मसला नहीं है। और डिमांड इस गाड़ी की जो ओनर करते हैं दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। ओनर गाड़ी की डिमांड करते हैं 7,60,000 रुपये। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ओनर लिंक है, उस पर क्लिक करें और रابطہ करें। अल्लाह हाफिज़।